देख रहे हो, जब आप जाएंगे नीचे को उतरेंगे। ये लो जी पहुंच गए जी। हेलो जी, क्या हाल चाल, तो कैसे हैं सारे। फाइनली आई एम बैक विद शिमला ब्लॉग्स। अब भाई शिमला में ना सीजन चला है टूरिस्ट का मस्त वाला, अब जून जुलाई तक सीजन ही रहने वाला है। तो मैंने सोचा कि काफ़ी सारे लोग आएंगे तो यार उत्सुकता होगी उनके मन में कि मौसम कैसा है और ट्रेंडिंग डेस्टिनेशंस कैसी कैसी हैं शिमला में। तो आज टॉप मोस्ट फेमस डेस्टिनेशन पर आपको लेके जा रहा हूँ मैं, जाखू टेम्पल। नई सारी चीज़ें हुई हैं कुछ वहाँ पर जो आपको दिखाना चाहता हूँ। फिलहाल ये जो जगह दिख रही है आपको, ये छोटा शिमला है, ये सेक्रेटेरिएट के आसपास का एरिया है। इधर को आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, इधर को लेफ्ट साइड में होटल है। और यहाँ की चढ़ाई बड़ी फेमस है, जब भी टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ फंसते बहुत हैं क्योंकि यहाँ चढ़ाई बहुत है और मतलब टूरिस्टों को पटने में दिक्कत होती है ना गाड़ी। तो अब देखो ये काफ़ी सारे एडिशन दिखेंगे आपको यहाँ पे, पुल बन गए हैं, ऊपर लिफ्ट आ रही है नीचे विकास नगर से एक, वो पूरी छोटे शिमला सेक्रेटेरिएट तक आएगी। मतलब काफ़ी कुछ हो रहा है यार शिमला में, नई नई स्मार्ट सिटी बनी है ना, तो आओ फिर यार शिमला घूमते हैं। फिर हम संजौली पहुंचने वाले हैं, वैसे नब्बार का एरिया। और भाई बड़े टाइम से कह रहे थे कोई मेरे को यार सेंट बीट्स दिखा दो, भाई सेंट बीट्स भाई अंदर तो मैं जा नहीं सकता, गर्ल्स कॉलेज है, बड़ा फेमस कॉलेज रहा है ये गर्ल्स का, ये वाला ये जो आपको दिख रहा है सामने सेंट बीट्स कॉलेज है भाई, लड़के गेड़ियाँ मारा करते थे इसकी भयंकर ही वाली, अब तो पता नहीं कम हो गई। पर भाई पहले तो गाड़ी मॉडिफाई करा के बंदे इधर से इधर इधर से इधर ही घूमते रहते थे। बट एनीवेज आज पर्पज़ कुछ और है, ये नहीं दिखाना है। तो ये ध्यान से समझ लो, सेंट बीट्स आएगा, नब्बार चौक आएगा, वहाँ से नब्बार चौक से आपको राइट कटना है, बस सिंपल सा रोड है, कन्फ्यूजन भरा नहीं है। किसी से भी संजौली वाला रास्ता पूछ लो और यहाँ से आप ऊपर को जाखू मंदिर पे को बोर्ड लगा है जहाँ से गाड़ी आ रही है, बस सीधे ही वहाँ से आपने डायरेक्ट मंदिर की चढ़ाई चढ़ जानी। तो जाखू आने के ना तीन चार तरीके हैं, वो आपको तरीके ऊपर बताऊंगा। काफ़ी सारे रास्ते हैं जिससे आप जाखू मंदिर आ सकते हैं, जिनमें से एक तो आगे चला है मेरे टैक्सी, ये भी सबसे कन्वीनियंट है क्योंकि मंदिर तक पहुंच जाती है टैक्सी, और मंदिर से भी और ऊपर पहुंचना आप जहाँ सीढ़ियाँ होती थी वो भी काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है। रास्ता इसी तरह का है छोटा छोटा, गाड़ी कोई भी आ जाएगी, अगर आपके पास गाड़ी है और आपकी ड्राइविंग अच्छी है तो आपके पास चाहे इसुज़ू है, चाहे फिर आपके पास लेजेंडर है, फॉर्च्यूनर है, डिफेंडर है, कोई भी है, मंदिर तक तो पहुँच ही जाएगी अगर आप अच्छे ट्रेन ड्राइवर हैं। और जिन गाड़ियों में हिल होल्ड असिस्ट होता है चलो वो तो फिर सुख में ही रहेंगे, वो तो आ ही सकते हैं। तो ये देखो जी, अब थोड़ा थोड़ा रश बढ़ता जाएगा यार शिमला में हर जगह, क्योंकि मैंने बताया ना सीज़न है। बहुत सुंदर रास्ता है ये, तो रास्ता देख लो यार इसी तरह का है, थोड़ा ट्रिकी है। अब देखो छोटी गाड़ी भी दो बार में मुड़ रही है तो बड़ी होगी तो फंस जाएगी ऊपर के लिए, पर ये कह रहा हूँ कि थोड़ा ट्रिकी है मतलब जाना इस रास्ते पे। अभी तो मैं जाखू जा रहा हूँ ना, पर आगे आने वाले टाइम में मैं सोच रहा हूँ आपको शिमला की ना अच्छी अच्छी जगहें दोबारा से दिखाऊँ यार, बड़ा मन है, मैं भी काफ़ी टाइम से घूमा नहीं हूँ। तो अब देखते हैं कि अब सीज़न में कितना बदलाव आता है और कितने चेंजेस है, और मौसम भी फिलहाल सुहाना ही है, और नीचे मैंने सुना है भाई गर्मी बहुत होने वाली है, हीट वेव्स की प्रेडिक्शन है, तो शायद सारे माउंटेन्स की तरफ शिमला मनाली भागेंगे। तो होटल की बुकिंग करा के आना, अभी के लिए रास्ता इन्जॉय करो। हेलो जी, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल मौसम इट इज, और शिमला का टूरिस्ट सीजन ऑन हो गया जी, अब जून तक ये समझ लो कि ऑन ही रहता है। मैंने सोचा बड़े दिन से इधर उधर की बातें कर रहे हैं, शिमला दिखाते हैं आपको तभी मज़ा आएगा। तो मैंने सोचा जाखू दिखाते हैं सबसे पहले आपको। जाखू मंदिर हनुमान जी के लिए फेमस है और इसलिए फेमस है कि शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ी है।
दूसरा यहाँ पे 108 फीट की बजरंग बली जी की मूर्ति भी लगी हुई है, और एक और चीज़ है जो लगनी है नहीं और एक लग चुकी है, जिसकी वजह से मंदिर आना जाना थोड़ा कन्वीनियंट हो चुका है। तो अभी के लिए चलते हैं। ये पीछे जो आपको दिख रहा है, मेरे फ्रंट कैम से दिखाता हूँ, वैसे आपको ये पार्किंग है। तो अगर आप ट्रेन ड्राइवर नहीं है तो मतलब गाड़ी यहाँ लेके ना आए, खुद भी टैक्सी में आ जाएँ, या आपको चर्च से भी शिमला में जो है वहाँ से टैक्सीज मिल जाती, नहीं तो वहाँ से पैदल रास्ता भी, पर चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है, वरना गाड़ी आपकी यहाँ लग जाएगी। ट्यूसडे और संडे को ज़्यादा रश रहेगा मेजरली, एक पार्किंग थोड़ा नीचे वहाँ भी लग जाती है, कई बार यहाँ पार्किंग का इशू हो जाता है। यहाँ जगह छोटी है, आप देख ही सकते हो, पहाड़ों में छोटी छोटी जगहों पर ज़बरदस्ती बना दी होती है पार्किंग। ये रास्ता है और घना जंगल है, तो इस वजह से शिमला की सबसे ऊंची चोटी पर बना हुआ है मंदिर, इसलिए ब्यूटीफुल बहुत है, ठंडी ठंडी हवाएं आपको हमेशा यहाँ स्वागत करेंगी आपका। चलो फिर चलते हैं यहाँ से ऊपर सीढ़ियों से और दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या है। वेदर थोड़ा ऐसा ही है इस बार, मतलब गर्म तो शिमला में खास होता नहीं, कभी नहीं, पर ऐसे मिक्स है, कभी धूप कभी छाँव कभी बारिश, आज जैसे मौसम थोड़ा खिला हुआ है। अच्छा, एक रास्ता पैदल ही है मॉल रोड रिज मैदान जो जाता है, मैं दिखाता हूँ, ये बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है। ये सीढ़ियाँ हैं, खड़ी सीढ़ियाँ जो रास्ता भाई नीचे को सीधा मॉल रोड रिज जाता है यहाँ से, ये वाला कवर कर दिया है बढ़िया। एक ही है सामने, अब लोग यहाँ से जाना प्रेफर नहीं करते क्योंकि अब एस्केलेटर बन गया है, तो एस्केलेटर से जाते हैं लोग, ये टिक्की वाले। चलो फिर आपको एस्केलेटर से लेके चलते हैं। तो जाखू मंदिर में लग गया है जी नया एस्केलेटर, अभी के लिए तो फ्री है, बाद में ऐसा बोल रही है इसके चार्जेस होंगे, पर ये देखो जी कश्मीरी गेट की याद तो नहीं आ रही, देख के बहुत ही बड़ा है आ रही है, काफ़ी करोड़ों की लागत से बना है। और अच्छी बात यह है ना कि पहले वहाँ नीचे सीढ़ियों से बुजुर्ग जो होते थे ना, और जो व्हील चेयर पर होते थे, वो बेचारे दर्शन नहीं कर पाते थे भगवान के, तो वो रह जाते थे, तो मन उदास होता होगा, तो भगवान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली, सब किए, एस्केलेटर बना दिया, अब सीधा जो देखना कहाँ निकलेगा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो काफ़ी सही हो गया यार, ये एक और डबल एस्केलेटर है यहाँ पे लगा हुआ, एक ये है और एक ये वाला है, देखो हाइट देखो कितनी ज़्यादा है, बहुत बढ़िया बना भाई। अब सबसे पहले जो आपको दर्शन होने वाले हैं, वो सबसे पहले दर्शन होंगे विशाल बजरंग बली जी की मूर्ति 108 फीट की, ये देखेगी आपको ये, वाह ये देखो। मैं जब ऊपर पहुंचा ना यार, तो इतना सुंदर लगता है यहाँ आके ना, एक तो शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ी है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है, पर मैंने हमेशा टूरिस्ट और लोकल जो यहाँ पे मेनली बात चल रही होती है वही होती है कि कुछ निकालना मत भाई, चश्मे मत पहनना, पर्स मत पहनना, क्योंकि यहाँ बंदर है ना यार, चोरी कर लेते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा यार, पक्का कुछ ना कुछ आज होगा, चोरी कर लेंगे आपकी चीज़, फिर जब तक उनको प्रसाद रिश्वत नहीं मिलती ना तब तक देते नहीं है, देखना आज पक्का होगा कोई ना कोई इवेंट, मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, वेट करना। तो जी आप लोग ना बड़े ब्लेस्ड हैं अगर यहाँ तक पहुँच जाते हो, दर्शन भी कर लेते हैं इस जगह की। ये देखो मंकी थीफ्स, ये है वो बंदे बैठे हुए, ये फिराक में बैठे हैं यहाँ पे, किसने चश्मा डाला है, किसने प्रसाद लिया है, खाने की चीज़ लिया है, लेके फटाफट चढ़ जाएंगे अभी छत पे। ये देखो ये बड़े खतरनाक होते हैं, तो मैं बता रहा था ना कि बड़े ब्लेस्ड हैं, क्योंकि यार बजरंग बली जी जब सीता माता को लेने लंका के लिए निकले थे, तो ऐसा बोलते विश्राम किया था यहाँ पे, एक पैर रखा था उन्होंने, और चरण है उनके यहाँ पे। हाँ जी ये देखो नज़ारा यार, क्या विशाल है ना। ये पहुंच गए जी, और देखो ये पीछे जो देख रहे हैं मेरे आप, ये 108 फीट की मूर्ति, ये देखो बजरंग बली की, ये भी मेन अट्रैक्शन है, लोग यहाँ फोटोज वोटोज खिंचाते रहते हैं, टूरिस्ट लोकल सब, बहुत अच्छा लगता है। शिमला जैसे एंटर करोगे ना, आपको सबसे पहले यही नज़र आती है, 108 फीट की बनी हुई मूर्ति है यार, बहुत ही सुंदर लगती है। और आपको पता है ये ऐसा बोलते हैं कि जो अभिषेक बच्चन की सिस्टर है, मतलब उसने योगदान दिया है इसमें, और इसका इनॉग्रेशन करने अभिषेक बच्चन खुद आया था। तो जाखू मंदिर में अगर आप भूखे प्यासे आएंगे तो भगवान उसका भी ध्यान रखता है कि ट्यूसडे और संडेज को यहाँ भंडारा होता है बड़ा टेस्टी, तो आप भंडारा भी मतलब चख सकते हैं। ये सामने मंदिर का मेन गेट है, आसपास कुछ शॉपकीपर्स हैं, और वो सामने जो दिख रहा है आपको, ये रहा जाखू मंदिर का मेन गेट, बहुत सुंदर है मंदिर, बहुत ही अट्रैक्टिव है ये मंदिर। और राइट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे तो भंडारा हॉल है, और इसके साथ में ही मतलब हाथ धोने के लिए बनाया हुआ है, और शूज़ भी यहीं खोल सकते हैं अंदर आप, क्योंकि बाहर खोलोगे ना तो कई बार ये बंदर उठा के ले जाते हैं। और ये सामने पार्क है बड़ा सुंदर सा, इधर
ये भंडारा हॉल है और नीचे को जो दिख रहा है आपको ये रोप वे है। तो एक और तरीका है यहाँ आने का, रोप वे, ये नीचे जो दिख रहा है आपको रोप वे यहाँ कनेक्ट करता है आगे। रिज से आप टिकट ले सकते हैं उसकी, वो सीधा यहाँ ले आएगा आपको। हो गए जी बजरंग बली जी के दर्शन और बहुत मज़ा आया। रश है थोड़ा सा मंदिर में, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बहुत रश का तो मतलब है कि जब गेट से भी बाहर लाइन आ जाए, वैसा तो नहीं है, अभी नॉर्मल है। और ये राजी पार्क, चलो फिर आपको थोड़ा सा आगे का नज़ारा दिखाते हैं और फिर चलते हैं वापस। लो जी फिर हो गया चोरी जूता यार, मैंने बोला था ना आपको, ये देखो भाई ने जूते यहाँ खोले थे, एक जूता बंदा ले गया और एक रखा हुआ है हाथ में। अब ये शूज इसको तब मिलेगा जब इसको रिश्वत मिलेगी, मतलब जब इसको प्रसाद मिलेगा। ये देखो ये चल रहा है काम, ये दिया इसको रिश्वत, ये देखो ये मिला प्रसाद, वो देखो फेंक के चले गया सीधे। इतने एक्सपर्ट है ना भाई ये, हर कुछ ही तेज है, चश्मा चुन्नी जो इनको फ्री दिखता है ना बॉडी में कि खींचा जा सकता है छीना जा सकता है वो छीन लेते हैं। मैंने कहा था ना यार बड़े खतरनाक है तो इनसे बच के आना, थोड़ा बच्चों बच्चों को भी ऐसे काटते वाटते नहीं है, डरना नहीं इनसे, पर सामान ना थोड़ा झूलता हुआ, पर्स हो गए, चश्मे हो गए, जूते इधर उधर रखोगे तो ये छीन लेते हैं, फोन भी ले जाते हैं। ये देखो जी जाको एस्केलेटर, ये सीधा यहाँ निकलता है और डायरेक्ट मुझे। एक चीज़ तो मैंने आपको दिखा दी कि यहाँ पे एस्केलेटर बन गया है बहुत ही शानदार। दूसरी चीज़ है कि ऐसा बोलते हैं जो बजरंग बली की मूर्ति है सामने 108 फीट की, इसके साथ ही 110 फीट की श्री राम भगवान की मूर्ति भी लगने वाली है, ऐसा बोल रहे हैं। अभी शायद कार्य इन प्रोग्रेस है तो वो भी आपको देखने को नई चीज़ मिलेगी। जाखू में मौसम देखो कितना सुहाना हो रहा है, कितना मौसम है, आसपास कूल ब्रीज, ठंडे ठंडे पहाड़, ठंडी ठंडी वादी। ये राजीव एस्केलेटर, पार्किंग के पास देख लिया आपने आज का मौसम, जाकर जी के दर्शन हो गए आपको, और क्या चाहिए। और है टूरिस्ट अब थोड़ा बढ़ेगा ही यार यहाँ पे ना, अब दिक्कत होगी क्योंकि अब सीज़न है ना भाई पहाड़ों का, तो शिमला का भी सीज़न रहता है अब जून तक, तो अब तो जाखू आने के काफ़ी सारे तरीके हैं। पैदल आ जाओ, उनमें से एक और तरीका बचता है वो रोप वे है, रोप वे में भी आ सकते हो, वहीं रिज के पास से जब पहुंचोगे तो रिज के पास आता है, और उस रोप वे से भी आप सीधे आ सकते हैं जी जाखू मंदिर भगवान के दर्शन करने। अभी के लिए मैं तो चला, तो लाइक करना यार, ब्लॉग को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बताना कैसा लगा। जब आप जाएंगे ना ये देखो अलग ही एडवेंचर होने वाला है, ये वाला रास्ता मिलेगा आपको जाते हुए इस तरह का, जब आप जाएंगे नीचे को उतरेंगे जाखू से इस तरह का रोड आएगा। अगर आपके पास इसुजू है, फॉर्चूनर है, इनोवा क्रिस्टा है तो निकल जाएगी आराम से, कोई टेंशन नहीं है। टेम्पो ट्रैवलर इस साइड आता नहीं है इतना ऊपर, दिक्कत होती होगी मुझे लगता है, यहाँ से तो उतरना मुश्किल ही होता होगा फिर उसको, तो ये है। तभी काम है थोड़ी ट्रेन ड्राइवर हो तो इस साइड तभी आना, नहीं तो दिक्कत होगी आपको, क्योंकि बीच में कुछ कट और कुछ मोड ऐसे आएंगे जहाँ आपको परेशानी हो सकती है। ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे बीच में, फिर ये सीधे खड़े ही हैं, पर मतलब ये कि वही बता रहा हूँ, इसुजू कोई भी बड़ी गाड़ी है आपके पास डिफेंडर से लेके,
कोई भी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वन वे है, ट्रैफिक नहीं होता इस पे, ये वन वे है रोड। उधर से जाती हैं, इधर से आती हैं। ये देखो इनोवा चली गया आराम से, कोई टेंशन नहीं।